हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। तो फ्रेंड्स, हमारा साइड बार डैशबोर्ड इस तरीके से बन चुका था। अब हमें यहाँ पे टॉगल बटन की फंक्शनैलिटी लिखना है, तो उसके लिए जेक्वेरी का थोड़ा सा कोड करेंगे। ओके, तो पहले हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारी सीएसएस फाइल थी, कुछ और स्टाइलिंग देते हैं टॉगल बटन के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हैश। हैश हम कब यूज़ करते हैं? आईडी के लिए यूज़ करते हैं। तो हैश लिखा, हैश कंटेंट डॉट एक्टिव, ठीक है, जिसकी आईडी कंटेंट है उसमें हमें एक्टिव क्लास पे हमें वर्क करना है। अब किसकी आईडी कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर हमने बनाया था, मतलब एक डिव बनाया था, उसमें मैंने आईडी दिया था कंटेंट। ओके, जो ये आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसका आईडी क्या है, सॉरी ऑरेंज कलर में दिख रहा है, उसका आईडी क्या है, कंटेंट है। एंड ऊपर जो वर्टिकल हमारा नेव बनाने वाला डिव था, जो हमारा साइड बार है, उसका आईडी क्या है, साइड बार है, ठीक है। तो इसका आईडी साइड बार है, तो इन दोनों पे हम एक्टिव क्लास को अप्लाई करेंगे जेक्वेरी के थ्रू। तो आईडी के लिए हम हैश लिखते हैं, जिसका आईडी कंटेंट है उस पर हम एक्टिव क्लास पे यहाँ पे स्टाइलिंग कर देते हैं। विड्थ मैंने कर दिया 100%। जब एक्टिव क्लास हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, अभी एक्टिव क्लास वहाँ पे लगी हुई नहीं है, ठीक है, बट हम अप्लाई करेंगे जेक्वेरी के थ्रू, तो हम चाहेंगे कि जो कंटेंट का विड्थ है वो 100% हो जाए और इसका जो मार्जिन है वो 0 हो जाए। ओके, सभी डायरेक्शन से। सिमिलरली फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा साइड बार। साइड बार पे भी मैं एक्टिव क्लास अप्लाई करूँगा, लेकिन साइड बार में जो डिज़ाइनिंग है वो हम थोड़ी सी बदल देंगे, क्योंकि साइड बार को हमें हाइड करना है एंड कंटेंट वाले प्लेस होल्डर को हमें पूरा 100% करना है जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो वही हम कर रहे हैं, कंटेंट वाले डिव को हम पूरा 100% कर देंगे, मार्जिन 0 कर देंगे, एंड साइड बार को हमें हाइड करना है। तो साइड बार का आपको पता होगा कि हमने मार्जिन कितना दिया था, ठीक है, साइड बार ये था हमारा वर्टिकल नेव, इसका जो मैंने विड्थ दिया था वो 17 rem था। अब उतना ही मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसको हाइड करना है, ठीक है। कब हाइड करना है, जब मैं ये क्लास अप्लाई करूँगा जेक्वेरी के थ्रू। तो इसका जो विड्थ है वो मैं कर दूँगा, मुझे हाइड करना है तो मुझे इसको करना पड़ेगा -17 rem, ठीक है। जितना मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है उतना मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर दूँगा, विड्थ नहीं, मार्जिन, मार्जिन माइनस लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से हम इसका मार्जिन कर देंगे -17 rem, तो ये हाइड हो जाएगा, एक तरीके से छुप जाएगा। ओके, तो इतना हमने कर दिया है। अब इस क्लास को हमें अप्लाई करना है जेक्वेरी के थ्रू। तो अब 4-5 लाइन का जेक्वेरी का कोड ये आपको करना है साइड बार डॉट जे एस नाम की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी उसके अंदर। ओके, तो जेक्वेरी लिखने का हमारा ये तरीका होता है, डॉलर लिखते हैं, इसके अंदर डॉलर डिनोट करता है जेक्वेरी को, एंड इसके अंदर फंक्शन, अब फंक्शन की यहाँ पे बॉडी बना देंगे, इसको सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम जेक्वेरी का कोड करते हैं। ओके, अब इसके अंदर आके हमने बता दिया, हम अब सेलेक्टर बता देंगे कि किस पे हमें वर्क करना है। तो टॉगल बटन पे वर्क करना है, टॉगल बटन पे जब क्लिक होगा तब हमें काम करना है। तो यहाँ पे हमने अपने सेलेक्टर का नाम बता दिया, जिसकी आईडी साइड बार कोलैप्स है। अब आपको पता होगा किसकी आईडी साइड बार कोलैप्स है, जो हमने बटन बनाया था टॉगल बटन, उसका मैंने आईडी दिया था साइड बार कोलैप्स। ये आप देख रहे हैं साइड बार कोलैप्स, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा स्पेलिंग आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ पे देना है, तो ये स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए एकदम। फिर हमने यहाँ पे डॉट लगा के बताया ऑन, अब यहाँ पे इवेंट बता देंगे कौन से इवेंट पे, क्लिक इवेंट पे काम करना है, तो क्लिक कॉमा फंक्शन, एंड फंक्शन को करना पड़ेगा डिफाइन। ओके, ठीक है, तो क्लिक करने पर क्या होना चाहिए,
क्लिक करने पे हमें टॉगल करना है क्लास को, तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर के बाद सिलेक्टर। तो हमें क्लास अप्लाई करना है, टॉगल मतलब एक बार अप्लाई करना है और दूसरी बार क्लिक करने पर उसको उस क्लास को रिमूव करना है। तो टॉगल से हमारे ये दोनों काम हो जाएंगे, एक बार क्लिक करने पर अप्लाई होगा, दूसरी बार क्लिक करने पर रिमूव हो जाएगी क्लास। तो हैश कैसा हमें करना है, साइड बार पे एंड कंटेंट पे, ठीक है। अब एक चीज का आपको ध्यान देना है, सिंगल कोड यहां मैंने ओपन किया और यहां क्लोज किया है। आप ऐसा मत करना कि यहां पे सिंगल कोड यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक, ऐसा नहीं करना है। दोनों में एक ही सिंगल कोड स्टार्ट और एंड होगा, बीच में कोमा आएगा। ओके, डॉट टॉगल क्लास एंड यहां पे मैं लिखा एक्टिव, ठीक है। एक्टिव क्लास को मुझे टॉगल करना है। एक फंक्शन ऐड क्लास नाम का भी होता है, एक रिमूव क्लास नाम का भी फंक्शन होता है। ऐड से केवल हम क्लास को ऐड कर सकते हैं, रिमूव से रिमूव करते हैं, टॉगल से दोनों काम होते हैं। मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो क्लास ऐड हो जाएगी, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं, एंटर करते हैं, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट अगर लिखा होगा तो ये काम करेगा। एक बार इसको कंट्रोल फंक्शन F5 कर देता हूँ, चेक भी कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। क्लिक करता हूँ मैं बट वर्क हो नहीं रहा। ठीक है, स्टिल नॉट वर्किंग, सो आई विल चेक दैट। अप्लाई तो हमने सही से कर दिया इसको, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। ओके, कनेक्ट सही से नहीं किया है, बता क्या गलती की हमने। हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को एक्सटर्नल फाइल को लिंक करवाना है, तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा है हमने। ये जो हमने लिंक करवाने का तरीका लिखा है वो CSS फाइल को लिंक करवाने का लिख दिया है, तो यहाँ तो स्क्रिप्ट आना चाहिए। अच्छा हुआ ये मुझे ध्यान आ गया, अदरवाइज हम ढूंढते रह जाते। स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू, ये आपने लोकेशन बता दी। ओके, तो एक्सटर्नल JS फाइल को ये लिंक करवाने का तरीका होता है एंड एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करवाने का लिंक टेक से हम लिंक करवाते हैं। एंड इसको स्टार्ट कर दिया तो क्लोज भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप देख रहे थे ये हमारा हाइड हो गया था साइड बार, क्योंकि सब कुछ स्क्रिप्ट के अंदर ही चले गया था। अब आप देखो ये वर्क कर रहा है। ओके, परफेक्ट, ये हमारा परफेक्ट हो गया। एक ट्रांजिशन इफेक्ट की आपको, ये ट्रांजिशन हमने लगाया था, आप देखेंगे ये ट्रांजिशन जो लगाया था इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये कितनी किस तरीके से ये हाइड हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइमिंग दी थी 4 सेकंड की, 0.4 सेकंड, ठीक है, तो उस हिसाब से ये हाइड और शो हो रहा है। एंड अगर इसको देखें तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, सो इट इज़ परफेक्ट। एंड अब अगर यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, हम बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। लिंक्स का भी आपको कलर वलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। जो हमने हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनाया था उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि मुझे बैकग्राउंड में अभी तो मैंने ऑरेंज कलर दिया है, बट हम यहाँ पर कलर थोड़ा अलग तरीके से देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ना देते हुए बैकग्राउंड इमेज लिखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 135.9°, RGBA रेड ग्रीन ब्लू, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया रेड ग्रीन ब्लू अल्फा एंड इसके अंदर वैल्यूज दे दी, रेड का मुझे कितना पार्ट चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे एक कलर दे दिया
आप अलग अलग वैल्यूज डाल के अलग अलग कलर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने दे दिया 109.25.252.1 एंड उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 16.4% कोमा RGBA एंड इसमें फिर से वैल्यू डाल दी 125.31.165.1 एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 56.1%। ओके, तो इससे आप देखो बैकग्राउंड में, ओके ये तो परफ गड़बड़ हो गया पूरा, सेमी कोलन लगा देते हैं लास्ट में, तो यहाँ चेक कर लेते हैं कुछ अगर मिस्टेक है तो। बैकग्राउंड माइनस इमेज कॉलन लीनियर माइनस ग्रेडियंट 135.9 डिग्री कोमा RGBA 109.25.252.1 16.4% कोमा RGBA 125.31.165.1 फिर 56.1%, ये मैंने वैल्यू दी हुई है। ओके, तो अब आप देखो, तो ये होता है लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करने का फ़ायदा। आप देखो यहाँ से कलर आ रहा है, लाइट आ रहा है, थोड़ा सा नीचे जाते हुए डार्क हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग कलर आएगा। और फ्रेंड्स कितना आपको डिग्री वो करना है वो आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू कम करके देखता हूँ, ज़्यादा करके देखता हूँ, मैंने इसको 60 कर दिया, 67, तो समथिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये आपको कलर कोप सॉफ्टवेयर से आप कलर फाइंड कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट से भी कलर निकाल सकते हो जो कलर आपको देना है। ओके, सो इतना सारा वर्क हमारा हो गया है। अब हम ये जो नेविगेशन बार है इसमें ये सब चेंज कर देंगे, आइकॉन्स वगैरह जो जो हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइकॉन चेंज करते जाएंगे एंड पेजेस बनाते जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।